तो नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि अभी निशा को लेके निकल रहे हैं मतलब यहाँ कप्तानगंज में सोनोग्राफी कराने के लिए, अब ये देखिए उनकी फुआ और वो दोनों जन तैयार हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं निकलते हैं, अब देखते हैं वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है और क्या उनसे बीमारी होती है, क्या निकलता है कुछ नहीं पता, अभी चलते हैं फाइनली वहीं पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे वीडियो पर बने रहिएगा, आगे का सीन देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो हम आ चुके हैं फिलहाल यहाँ पर प्रियंका सोनोग्राफी जो कप्तानगंज में पड़ता है, हम फिलहाल उसका बोर्ड आपको दिखा दे रहे हैं। अभी यहाँ पर मतलब नंबर लग गया, अभी डेढ़ घंटा बोले हैं, डेढ़ घंटे के बाद कहीं आपका नंबर आता है, तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसकी वजह से हम लोग को डेढ़ घंटा वेट करना पड़ेगा। और निशा उसे अंदर है, चलिए दिखाते हैं उनसे, मुलाकात कराते हैं। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं, देखिए निशा जी यहाँ पर फिलहाल बैठी हुई हैं, यहाँ देखिए बैठल ना है, खड़ा होकर बोतल में पानी लेके खाली पिया थे, डॉक्टर ये काले बाटा खाली पानी पिए खातिर, जितना पानी पी ले रही हैं उतना इनके लिए फिलहाल फायदा रही, कहाँ से जो ना खाना तो खाए ना खियावल ना जाला, और पानी पी ले रही हैं तो मतलब जो सोनोग्राफी हुई तो मतलब क्लियर आई, रहा अच्छे से आई, पूरा रिजल्ट बढ़िया से निकली, पी ले जा पनिया, देखा तो इनके गिनी थोड़ा बहुत पलटियों का संभावना ना, यही वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व झेलक पड़ा था। अब इधर इनके फुआ हैं और यहाँ देखा पूरा बहुत ज़्यादा भीड़, अरे 20 या 21 जन के बाद हमन सबका नंबर फिलहाल आयल। तो अभी इधर में रिपोर्ट मिल चुकी है, अब चलते हैं डॉक्टर के पास फिलहाल, वहाँ पर देखते हैं, जब ये चेक करेगा तब पता चलेगा कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं हम लोग डॉक्टर के पास, आए हमें अगवाएँ आ गए नहीं फिलहाल, उन्होंने तब पीछे में वहीं रुक गए बैठे हैं। तो ठीक है, चला था हम डॉक्टर के पास, देखा नहीं कहाँ बैठा हुआ, तब उसके बाद क्लियर पता चली, तो फिलहाल वीडियो बना रहा है, कमन दिक्कत कौन परेशानी है जाना खातिर। तब भैया लोगन देखा यार डॉक्टर साहब बैठल बैठा, अब देखा बैठा बहुत बढ़िया से, अब यह बताइए कि न कौन प्रॉब्लम है, और यार बगल में देखा फिलहाल निशा जी और उनके बुआ बैठल बाटे, अब हम मोबाइल देखा था नहीं भैया कहने तब तक कहना सबके देख लें का अथुआ हब है या लोगन कमन बीमारी या फिलहाल डॉक्टर साहब बताइए ना एक मुँह से सुनल जाए। तो कि गैस में तो कोई वजह से दर्द होती हो और कोई बात ना दिक्कत हो दस्त सुनो तेल पेट में दर्द तो रहा है दर्द रहे ले खाली गैस का जैसे प्रॉब्लम है और कोनो लीवर उवर किडनी फिडनी कुछ सही है सब कुछ ओके है लिखा था GIT हाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन गैस की वजह से दर्द होती है जैसे जहाँ गैस रुकत है वही दर्द होने लगे ठीक है और कोई बात ना हो अंदर से कोई पसीना है तनी मिर्चा मसाला खटाई ऐसी कुछ अगर खाते तो बन के भी है दाल ही रोटी या दो चार दिन तक ये खिचड़ी खा ला ठीक है और फिर कहीं दवाई भी खा ला दो चार दिन हाँ तो जैसे ताली दे जैसे वहाँ रुकत है वो हाँ तो मसाला वसाला एकदम बन कर रख 3 दिन तक खाली खिचड़ी आलू भुस्सी चोखा ये लगा के ला ठीक है खूब बढ़िया भोजन पहले तब्दीली करा तब जाके धीरे धीरे सही है कबू जाके कुल काटी तब फिर जो की समस्या बढ़ेगी। तो फाइनली हम लोग आ चुके घर और इधर रहा इनका जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट है और जो हम आप लोग को भी दिखाना चाहते हैं, तो इधर में देखिए ये है इनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट जो आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा उल्टा दिख रहा है फिलहाल कोई बात नहीं, हाई तो ये तो आतड़ी पतड़ी दिखावत है इनमें हैं। तो फाइनली इनके ई चीज़ के बीमारी कौन बीमारी निकला लो हाँ गैस और सूजन तो इनके एक कथुआ में अतड़ी का आता है अतड़ी पेटे में मतलब हल्का सा गैस हो गया ला, गैस की वजह से इनका पेट धके मरोड़ मरोड़ के मरोड़ मरोड़ के ना मतलब मजाक ना बनाई ला दर्द करता है यही वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई ना झेलक पड़ा फिलहाल देखा तो 2-3 दिन से भाई लोगों ने खाना पीना बंद कर दिए होते हम अगर भी खाना पीना बंद कर देते तो टपक गए होते पर भैया 2-3 दिन तक का पता नहीं कैसे खाना पीना बंद करके अपन पड़ा लानी आ जाए कि फाइनली थोड़ा बहुत आराम भैया तो 2 समोसा दबनी है फिलहाल और 2 रोटी खैनी हमें यह ना खेलो 8 रोटी खैनी है भुजिया खैनी है फिलहाल।
तो भगवान की दुआ से, आप लोग का प्यार आशीर्वाद से कि जो दूसरा बीमारी ना निकल, हमें यही बात का डर रहा है फिलहाल, किंतु फाइनली कोनो नॉर्मल चीज जला वो तो जल्दी ठीक आ जाए ना। यह रहा, और एक बक्सा एक बोरिया फिलहाल है ना दवाई एकदम पैक करके मिल गई लिया है, देखा है तना दवाई चारों तरफ से भरा लिया, आज जमा रहा चौरौधा उरौधा कुलते हम लुटा गया फिलहाल न, अब खा पाई तो सर बहुत तगड़े माका थी। तो ठीक है भाई लोगन, फिलहाल यह वीडियो का अगर यहाँ तक के देखे हो पता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अब आखिया तू देखा इतना का देख ला भैया लोगन दोबारा, हाँ लव कर ले। तब ठीक है भैया लोगन, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा लो वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, बाय बाय।